हेलो डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। बच्चों, ये क्लास फाइव का मैथ है, मैथ्स क्लास फाइव चैप्टर सिक्स एक्सरसाइज 29 है। तो इसका वीडियो मैं एक्चुअली पहले बना चुका था, लेकिन वो वीडियो किसी कारण से डिलीट हो गया, तो इसको मैं फिर से सॉल्व कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर वन पहले पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन जब तक समझ में नहीं आएगा आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो यहाँ पर बेसिकली समझ लीजिए कि यहाँ पर फ्रैक्शन का कुछ ऐड दिया हुआ है और कुछ सब्ट्रैक्ट दिया हुआ है। वन नंबर में आप देखते हैं, रिंकी रेड 1/3 पार्ट ऑफ ए बुक ऑन मंडे। रिंकी मंडे को एक किताब का इतना पार्ट पढ़ लेती है, 3/8 पार्ट ऑन ट्यूजडे, और ट्यूजडे को इतना पार्ट पढ़ती है 3/8, एंड 1/12 पार्ट ऑन वेडनेसडे, और वेडनेसडे को इतना पार्ट पढ़ती है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द बुक डिड सी रीड इन 3 डेज। तो इन तीन दिनों में वह बुक का कितना पार्ट पढ़ती है, तीन तीनों को ऐड कर देना होगा। अगर ऐड कर देते हैं तो हमको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी ये बना हुआ है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को सिर्फ समझा देता हूँ। ये है क्वेश्चन नंबर वन, रिंकी रेड पार्ट ऑन मंडे। मंडे को रिंकी बुक का ये पार्ट पढ़ती है, तो 1/3 पढ़ती है। ऑन ट्यूजडे, और मंगलवार को पढ़ती है 3/8। ऑन वेडनेसडे, और वेडनेसडे को पढ़ती है 1/12। तो ये टोटल पार्ट कितना हो जाएगा, टोटल पार्ट्स इसको ऐड कर देते हैं। ऐड कर दिए हैं 1/3 प्लस 3/8 प्लस 1/12। तो इसको ऐड करने के लिए क्या किया जाता है, सबसे पहले एलसीएम लिया जाता है, ये नीचे वाला जो नंबर होता है, तो यहाँ पे एलसीएम ले लिए हैं, और इसका एलसीएम कितना आया है 24। इसका एलसीएम आ गया 24 नीचे में ले लिए, एक लाइन लिए नीचे में 24, और फिर 8 बार में गया, 8 1 जा 8 हो गया, 8 को 1 से मल्टीप्लाई किए 8 आया, तो 8 से फिर इसको डिवाइड किए तो 3 बार में गया, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई किए तो 9 आ गया, 3 3 जा 9 हो गया, और 12 से इसको डिवाइड किए तो 12 2 जा 24, 2 बार में गया, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो 2 आ गया। तो इसको तीनों को जोड़ दिए तो ये आ गया 19 बाई 24 पार्ट उपड़ती है, और ये आंसर है। तो ये जो है मिक्स फ्रैक्शन बनने वाला नहीं है, और ये बड़ा है नीचे में और कटने वाला भी नहीं है, क्योंकि 19 जो है वो एक प्राइम नंबर है, इसीलिए आंसर इतना ही रह गया। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। 3 pins are 3/5 cm। तो 3 पिन है जिसमें से एक इतना है और दूसरा 7/10 cm एंड तीसरा जो है 11/15 cm लॉन्ग, इतना लंबा है, 1 2 3 पिन है। दे आर प्लेस्ड इन टू इंड। अगर इसको इस तरीके से रखा जाए, यहाँ से यहाँ रखते हैं, फिर यहाँ के बाद फिर एक दूसरा पिन यहाँ रखते हैं और एक तीसरा पिन यहाँ रखते हैं, तो ये टोटल लेंथ जो है इसका लेंथ मांग रहा है। फाइंड हियर टोटल लेंथ। तो यहाँ पे टोटल लेंथ इसको निकालने के लिए कह रहा है कितना लंबा होगा तीनों को मिला के। तो इन तीनों नंबर्स को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमको पता चल जाए कि टोटल लेंथ क्या होगा। तो यहाँ पे बना हुआ है लेंथ ऑफ फर्स्ट पिन। सबसे पहला पिन जो है उसका लेंथ क्या है, 3/5 cm। सेकेंड पिन 7/10 cm एंड थर्ड पिन 11/15 cm। ये हो गया, उसके बाद टोटल लेंथ दिया हुआ है, टोटल लेंथ। तो इन तीनों को ऐड कर देते हैं, 3/5 प्लस 7/10 प्लस 11/15। तो सब इसको ऐड करने के लिए इन तीनों का एलसीएम लेना पड़ता है, तो यहाँ पे एलसीएम ले लिए हैं, तो 5 10 15 का एलसीएम लेने पर कितना आ गया, 5 2 जा 10 और 10 3 जा 30, इसका एलसीएम आ गया 30 यहाँ पे एक लाइन लिए और 30 नीचे में लिख दिए, फिर 30 को 5 से डिवाइड किए तो 5 6 जा 30, 6 3 जा 6 बार में कट गया तो 6 3 जा 18 हो गया, फिर 10 से इसको डिवाइड किए तो 3 बार में गया तो 3 7 जा 21 हो गया, और फिर 15 से इसको डिवाइड किए तो 2 बार में 15 2 जा 30 हो गया, तो 11 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो 11 2 जा 22, फिर इन तीनों को ऐड कर दिए तो आ गया 61/30। तो 61 एक प्राइम नंबर है, कटने वाला नहीं है, लेकिन नीचे में छोटा है तो ये मिक्स फ्रैक्शन बन गया। यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन 32 जा 60 होता है, 2 बार में गया और 1 रिमाइंडर बची गया, और नीचे 30 के 30 रह गया। तो ये जो है इतना सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। यहाँ पे रीता डज हर होमवर्क ऑन वेडनेसडे इन 2/3 आवर्स। रीता वेडनेसडे को अपना होमवर्क इतना आवर करती है, 2/3 आवर। ऑन थर्सडे, थर्सडे को इतना आवर्स करती है, एंड ऑन फ्राइडे इन 5/6 आवर्स, और फ्राइडे को इतना आवर्स करती है। हाउ मच टाइम डज सी वर्क इन 3 डेज। तो इन तीन दिनों में वह कितना टोटल टाइम लेती है, तो यहाँ पे ये बना हुआ है,
रीता टेक्स टाइम ऑन वेडनेसडे, रीता वेडनेसडे को समय कितना लेती है, इतना 2/3 आवर्स। ऑन थर्सडे को 3/4 आवर्स, ऑन फ्राइडे 5/6 आवर्स। तो टोटल टाइम इन 3 डेज, इन 3 दिनों में वह टोटल समय कितना लेती है, तो इन तीनों को ऐड कर देंगे, ये तीनों जो है ऐड हो जाएगा 2/3 + 3/4 + 5/6। तो इसको ऐड करने के लिए नीचे वाला नंबर जो है उसको एलसीएम पे ले लेते हैं। तो यहाँ पे इसको एलसीएम लिया गया है और इसका एलसीएम आ गया है 12। उसके बाद यहाँ पे एक लाइन लेते हैं, 12 नीचे में लिखते हैं और 12 को सबसे पहले 3 से डिवाइड करते हैं। तो 3 4 12, 4 बार में जा रहा है, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 8 हो गया, तो 8 लिख दिए यहाँ पे। फिर 12 को 4 से डिवाइड करते हैं, 4 3 3 बार में जा रहा है, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई किए, 3 3 9 हो गया। उसके बाद फिर 12 को 6 से डिवाइड किए, तो 2 बार में कट गया, तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई किए, 5 2 10, इतना हो गया। अब इन तीनों को ऐड कर दिया तो 27 आ गया, 27/12। तो ये 3 से कट जा रहा है, ये 9 बार में कट रहा है, 3 9 27 और 3 4 12, तो 9/4 आ गया, और आगे नहीं कटेगा, लेकिन ये मिक्स फ्रैक्शन बन जाएगा। तो ये बन गया 2 1/4 आवर्स, तो ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 इसको पढ़ लेते हैं। ऋषभ स्पेंट रुपीज इतना ऑन बाइंग ए बुक, मतलब ऋषभ एक किताब खरीदने में इतने रुपये खर्च कर देता है, एंड रुपीज 8 and 2/5 ऑन लंच, और इतना रुपया जो है वो लंच में खर्च कर देता है। हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड, तो वह टोटल पैसा कितना खर्च करता है। इन तीनों को, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो इसको सीधा करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग बनाते हैं, यहाँ पे बना हुआ है ऋषभ स्पेंट ऑन बुक, ऋषभ बुक में खर्च करता है कितना, इतना रुपये खर्च करता है। ऑन लंच, और लंच में खर्च करता है, यहाँ पे एन है लंच, इतना रुपये खर्च करता है। टोटल मनी स्पेंट, तो टोटल रुपया वो कितना खर्च करता है, इसको जब सीधा किए तो इतना आ गया, और इसको जब सीधा किए तो इतना आ गया। सीधा कैसे किया जाता है, इसको इसको मल्टीप्लाई किया जाता है और इसको फिर बाद में ऐड कर दिया जाता है, जिससे 15 10 150 हो गया +3, तो 153/10 और इसको 8 5 40 हो गया, और 2 42/5, ये यहाँ पे सीधा होकर आ गया। अब इसको इसको एलसीएम लेते हैं तो 10 आ गया, छोटा नंबर के टेबल में बड़ा नंबर आ जाए तो वही बड़ा नंबर जो होता है वही एलसीएम होता है, इसीलिए इसका एलसीएम नहीं लिया गया है। तो ये हो गया, और फिर इससे इसको डिवाइड किए तो 1 बार में गया, तो 1 को 153 से मल्टीप्लाई किए तो 153 रह गया, और फिर 5 से इसको डिवाइड दिए तो 2 बार में गया, तो 2 को 42 से मल्टीप्लाई किए तो 84 आ गया, फिर इसको ऐड किए 237 हो गया /10। तो ये ऐसे कटने वाला नहीं है, तो ये मिक्स फ्रैक्शन ये बन गया, 23 बार में गया, 7 रिमाइंडर बचेगा, और 10 से जिससे डिवाइड दिए वो नीचे ही रह जाएगा, तो इतना रुपया वो टोटल खर्च किया, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे देखते हैं क्या कह रहा है। प्रियंका बाउट सम टोमेटोज, प्रियंका कुछ टमाटर खरीदते हैं, और सी यूज्ड इतना केजी ऑफ दिस टोमेटोज, तो वह उस टोमेटो में से इतना केजी यूज कर लेती है फॉर मेकिंग सूप, सूप बनाने के लिए, एंड यूज इतना केजी फॉर मेकिंग वेजिटेबल्स, और इतना केजी वह वेजिटेबल मतलब सब्जियां बनाने के लिए यूज कर लेती है फॉर द फैमिली इन ए वीक, अपने परिवार के लिए एक सप्ताह के अंतराल में। फाइंड द टोटल वेट ऑफ टोमेटोज सी बाउट, तो फिर वह कितना टोमेटोज खरीदती है उसको निकालना है। तो यहाँ पे प्रियंका यूज टोमेटोज फॉर सूप, प्रियंका सूप बनाने के लिए टोमेटोज कितना यूज करती है, इतना केजी यूज कर लेती है फॉर वेजिटेबल्स, और सब्जियां बनाने में इतना यूज कर लेती है। तो इन दोनों को सबसे पहले सीधा करना होगा, तो यहाँ पे सीधा किया गया है टोटल वेट ऑफ टोमेटोज, तो टोमेटोज का टोटल वेट कितना होगा, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो इससे बन गया 9/8 8 1 8 हो गया, और 1 9 हो गया, 9/8 9/8 हो गया, और 5 8 6 2 12 हो गया, 12 और 5 17 हो गया, 17/6, तो 17/6 इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो 8 और 6 का एलसीएम लिए, 8 और 6 का यहाँ पे एलसीएम लिया हुआ है, तो कितना हो गया यहाँ पे 8 हो गया, 8 3 24, ये हो गया 24। तो यहाँ पे एक लाइन लिए 24 नीचे में, और 24 को 8 से पहले डिवाइड किए, 8 3 24 3 बार में, 3 9 27 हो गया प्लस, और यहाँ पे 24 को 6 से डिवाइड किए तो 6 4 24 होता है, तो 4 × 17, तो 17 का टेबल 4 बार पढ़ने से 68 आता है। तो इन दोनों को ऐड कर दिए, 95 आ गया, और नीचे में 24 हो गया, तो ये कटने वाला नहीं है, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन बना दिया, यहाँ मिक्स फ्रैक्शन बनेगा क्योंकि नीचे में छोटा है। तो ये इतना जो है, इतना केजी वो टमाटर
टोटल खरीदती है, तो ये आंसर हो जाएगा। ये हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लेते हैं हम लोग। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 11/12। दो नंबर को जब जोड़ते हैं तो हमको ये मिलता है 11/12। इफ़ वन ऑफ देम इज 5/6 और उसमें से अगर एक 5/6 है, फाइंड द अदर, तो फिर दूसरा निकाल लीजिए। तो यहाँ पे ये है, यहाँ पे सॉल्यूशन है, लेट द सेकेंड नंबर जो निकालने के लिए कहा गया है उसको एक्स मान लेते हैं, और फर्स्ट नंबर जो है वो दिया हुआ है 5/6। फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर, इसको प्लस इसको अगर जोड़ देते हैं तो दिया हुआ है कि इतना आएगा। तो इसमें से एक नंबर मेरे पास है 5/6 प्लस एक्स, जो नहीं है वो एक्स रखे हैं, और दोनों को जोड़ने के बाद क्या आता है 11/12। तो अब क्या करना है, एक्स को जो है इधर ले जाना है, और ये प्लस हो रहा है तो इसको इस साइड में ले जाएंगे इक्वल टू के इधर, और इसको माइनस करेंगे इस तरह से। एक्स लिखें इक्वल टू 11/12 तो मेरे पास था ही, और इसको इधर ले आएँ तो ये प्लस से माइनस हो गया 5/6। अब ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट ऑफ फ्रैक्शन हो जाएगा, इस फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे सब कुछ वही रहता है, सिर्फ साइन जो है चेंज हो जाता है, और वहाँ पे ऐड करने का था और यहाँ माइनस करने का है। तो यहाँ पे इसको लेते हैं एलसीएम, तो 12 ही रहेगा, तो ये 12 यहाँ पे हो गया। उसके बाद 12 को 12 से डिवाइड किए तो 1 बार में जाएगा, तो 1 को 11 से मल्टीप्लाई किए 11 हो गया, माइनस का साइन लगा दिए, और फिर 12 को 6 से डिवाइड किए तो 2 बार में गया, तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 टू 10 हो गया। तो यहाँ पे 11-10 इक्वल टू 1/12 हो जाएगा। तो दूसरा नंबर जो होगा वो अदर नंबर, यही आंसर हो जाएगा 1/12। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर सेवन यहाँ पे दिया हुआ है, 18 contents 7/8 लीटर ऑयल एक टिन में इतना तेल लेता है। इफ़ 2/5 लीटर ऑयल इज लीक्ड, अगर 2/5 लीटर तेल उसमें से लीक होकर बाहर निकल जाता है, हाउ मच ऑयल इज इन द टिन नाउ, तो फिर अब उस टिन में कितना तेल बचा हुआ है। यहाँ पे इसको देखते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। 18 contents ऑयल एक टिन में इतना तेल लेता है, कितना, 7/8 लीटर, और लीक्ड ऑयल मतलब जो बाहर निकल गया 2/5, इतना लीटर बाहर निकल गया। रिमेनिंग ऑयल मतलब बचा हुआ तेल, ये 7/8 से माइनस करेंगे 2/5 को, 7/8 माइनस 2/5, तो इन दोनों को एलसीएम लिए तो आ गया कितना, 40 आ गया 40। तो इस 40 को लाइन के नीचे लिख लिए, और 40 को 8 से डिवाइड किया तो 5 बार में गया, तो 5 × 7 तो 7 × 5 = 35 हो गया, और फिर 40 को 5 से डिवाइड किए तो 8 बार में गया, तो 8 × 2 हो जाएगा, तो 8 × 2 = 16 हो गया। माइनस लगाएं और 16 यहाँ लिख दें, 35 − 16 = 19 हो गया, और नीचे में 40 हो गया, तो ये ना कटेगा और ना ही मिक्स फ्रैक्शन बनेगा। तो इतना लीटर ऑयल जो है टिन में बच गया, तो इतना ही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 8, राजन स्पेंड्स 1/3 ऑफ हिज सैलरी ऑन हाउस रेंट। राजन अपने सैलरी का 1/3 पार्ट घर के किराए में दे देता है, एंड 1/4 ऑन स्कूल फीस, और 1/4 पार्ट जो है वो स्कूल का फीस भरने में वो खर्च कर देता है। व्हाट पार्ट ऑफ सैलरी डज ही स्पेंड मोर ऑन हाउस रेंट, तो सैलरी का कितना अधिक भाग वो हाउस रेंट में, घर के किराया में खर्च करता है। इसका मतलब है कि हाउस रेंट जो है वो ज़्यादा बड़ा है और स्कूल फी है वो छोटा है, तो इसका क्या करेंगे हम लोग, हाउस रेंट से इसको माइनस कर देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे ये देखते हैं, राजन स्पेंड्स ऑन हाउस रेंट, राजन हाउस रेंट में खर्च करता है कितना, 1/3 ऑन स्कूल फीस, स्कूल फीस में कितना खर्च करता है, 1/4। ही स्पेंड्स मोर पार्ट ऑन हाउस रेंट, वह हाउस रेंट पे ज़्यादा खर्च करता है, और कितना ज़्यादा खर्च करता है, तो इसको करेंगे माइनस, 1/3 − 1/4, तो इन दोनों का एलसीएम लेने से आ जाएगा 12 हो गया, और फिर 12 को 3 से डिवाइड किए तो 4 बार में गया, 4 × 1 = 4 हो गया, और फिर माइनस दिए, और 12 को फिर 4 से डिवाइड करते हैं तो 3 बार में जाता है, तो 3 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 1 = 3 हो गया, तो 4 − 3 = 1, और नीचे में 12 रह जाएगा। तो इतना पार्ट वो ज़्यादा हाउस रेंट पे खर्च करता है, तो ये आंसर हो जाएगा 1/12। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलेंगे। प्रकाश हाउस इज 5/6 किलोमीटर अवे फ्रॉम स्कूल, प्रकाश का घर स्कूल से इतना किलोमीटर दूर है 5/6, एंड सीनूज हाउस इज 3/4 किलोमीटर अवे फ्रॉम स्कूल, और सीनू का घर स्कूल से 3/4 किलोमीटर दूर है। हु लिव्स फर्दर फ्रॉम स्कूल एंड हाउ मच,
तो यहाँ पे कौन स्कूल से ज़्यादा दूर है और कितना ज़्यादा दूर है, यहाँ पे कम या ज़्यादा दिखाया नहीं गया है, कौन ज़्यादा दूर है यहाँ पे ये भी निकालना पड़ेगा कि कौन ज़्यादा दूर है और कितना ज़्यादा दूर है। तो यहाँ पे ये है क्वेश्चन नंबर 9, प्रकाश हाउस इज अवे, प्रकाश का घर दूर है कितना, 5/6 किलोमीटर। और सीनू का हाउस है, सीनू का हाउस दूर है कितना, 3/4 किलोमीटर। और किसका घर दूर है, इसके लिए हमको कंपेरिजन करना पड़ेगा, कंपेरिजन करके पता करेंगे कि कौन दूर है, मतलब जो बड़ा है वही दूर है। तो यहाँ पे इसको इस तरह से लिख देते हैं, और कंपेरिजन कैसे करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 20, इधर 20 आ गया, और 6 3 18, तो बड़ा कौन है यहाँ पे, ये बड़ा दिखाया गया है, मतलब ये बड़ा है। तो 5/6 किसका है, प्रकाश का, तो प्रकाश का घर ज़्यादा दूर है, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा, 5/6 - 3/4 इक्वल टू, इन दोनों को एलसीएम लेते हैं तो आ जाएगा कितना, 12 आ जाएगा। यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं हम लोग, एलसीएम लिया हुआ नहीं है तो 2 हो गया, और यहाँ पे 3 बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, और जाने वाला नहीं है, 3 2 6 हो गया, 6 2 12 हो गया, यहाँ पे 12 आ गया, तो 12 यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद 6 2 2 बार में जा रहा है, तो 2 5 10 हो गया, यहाँ 10 दिए, और यहाँ पे माइनस, फिर 4 से इसको डिवाइड किए, तो 4 3 3 बार में जा रहा है, 3 3 9 हो गया, यहाँ पे 9 आ गया। उसके बाद इक्वल टू, तो 10 - 1 हो गया, 1/12 इतना हो गया। तो इतना किलोमीटर प्रकाश हाउस फर्दर देन सीनूज हाउस, तो सीनू के घर से प्रकाश का घर इतना किलोमीटर ज़्यादा दूर है। ये कंप्लीट हो गया, लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, वीना स्लिप्स इतना आवर्स इन द नाइट, वीना रात में इतना घंटा सोती है, एंड स्टडीज इतना आवर्स, और इतना घंटा वो पढ़ाई करती है, इन स्कूल, स्कूल में इतना घंटा पढ़ाई करती है, हाउ लॉन्ग डज सी स्लिप मोर देन स्टडी इन स्कूल, वह स्कूल में पढ़ाई करने से उसके मुकाबले कितना ज़्यादा सोती है, मतलब यहाँ पे सोने का समय ज़्यादा दिया हुआ है, ये ज़्यादा है और ये कम है, तो यहाँ पे कंपेरिजन नहीं करना है, और कितना ज़्यादा सोती है उसके लिए इससे इसको माइनस कर देंगे पता चल जाएगा। यहाँ पे बना हुआ है क्वेश्चन नंबर 10, वीना स्लिप्स, वीना सोती है, सोने में कितना समय लगाती है, 8 and 1/5 hours, तो इसको सीधा कर दिया गया है, 41/5 हो जाएगा, 8 × 5 हो गया, 41 हो गया, 41/5 इतना आवर। स्टडी में टाइम वो कितना लगाती है, इतना आवर्स, तो इसको भी सीधा कर दिया गया है, यहाँ 15 6 90 हो गया, 90 और +4 94 हो गया, 94/15 hours, तो इतना वो पढ़ाई में टाइम लगाती है। सी टेक्स मोर टाइम, तो वह ज़्यादा समय किस में लगाती है और कितना ज़्यादा समय लगाती है, तो पढ़ाई में वो ज़्यादा समय सोने में ज़्यादा समय लगाती है, तो उसको पहले रखेंगे और फिर इसको बाद में रखेंगे और माइनस कर देंगे, 41/5 - 94/15, तो इसको माइनस करने के लिए सबसे पहले एलसीएम लेंगे 5 और 15 का, तो यहाँ पे 5 के टेबल में 15 आता है इसलिए 15 हो जाएगा, ये बड़ा नंबर है, तो 15 एलसीएम हो गया। उसके बाद 5 से 15 को डिवाइड किए तो 3 बार में गया, और 3 को 41 से मल्टीप्लाई किए तो आ गया 123। उसके बाद फिर माइनस हो गया, फिर 15 को 15 से डिवाइड किए 1 बार में, और 1 को 94 से मल्टीप्लाई किए तो 94 रह गया, और 123 - 94 - किए इसको, तो 29 बचा, और नीचे में 15 हो गया, तो ये कटने वाला नहीं है, 29 एक प्राइम नंबर होता है, तो ये मिक्स फ्रैक्शन बन सकता है क्योंकि ये छोटा है, तो 1 बार में ये गया और 14 रिमाइंडर बच गया, 15 जितना है उतना ये नीचे रह जाएगा, तो इतना आवर वो ज़्यादा सोती है, इतना आवर्स, तो ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 10 तक, एक्सरसाइज 29 यहाँ पे पूरी तरह कंप्लीट हो गया है। अगर हमारा वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, और इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसके अगले एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे, तो आइए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं।